आज हम अपने इस सीन में रियलिस्टिक really cool रियलिस्टिकलीस के साथ साथ इन दोनों सुपर पॉवरफुल्स के बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा यानी इस वीडियो में हम बेसिकली विजुअल इफेक्ट एक्सप्लोर करने वाले विच इज राइट नाउ दी मोस्ट डिमांडिंग स्किल ऑफ फिल्म एंड एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री I mean, I'm sure आपने कुछ ऐसी एड्स कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी विच ग्राफ्स अलॉट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केट एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऐसी ही वीडियोस काफी इजली आपकी पोर्टफोलियो की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन जाती हैं। यानी इन्हीं वीडियोस को देखकर पोटेंशियल क्लाइंट इंप्रेस होकर आपको और ज्यादा काम ऑफर करते हैं इस वीडियो के थ्रू हम विजुअल इफेक्ट्स के काफी सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिसे समझने के बाद आप उन सिमिलर टेक्निक्स को अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं एंड एज ऑलवेज इसे भी मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप वाले तरीके से समझाने वाला हूँ और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो में यूज करे जाने वाले सारे एसेट्स को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड नाउ नाउट ओपन आफ्टर विक्स तो यहाँ मैंने अपनी इस फुटेज की सेटिंग से ही एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रखी है यू कैन डू द सेम और यहाँ हम सबसे पहले अपना थ्री डी जेट का मॉडल एड करने के लिए हम क्रिएट करेंगे एक न्यू सॉलिड लेयर बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वाई इसे रीनेम करेंगे एलिमेंट थ्री डी अंडर स्कोर जेट्स इसका साइज हमारी कॉम्पोजिशन के जितना ही रहेगा और कलर हम यहाँ कोई भी चूज कर सकते हैं लेट्स क्लिक ओके और अब हम इसमें ऐड करेंगे एलिमेंट थ्री डी प्लग इन जिससे हम किसी भी तरीके के थ्री डी मॉडल को आफ्टर इफेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं हम सिंपली इसके सीन सेटअप में जाएंगे जिससे इस प्लगइन का अपना यूजर इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ इस बटन से वी विल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट इन आर सीन अब एलिमेंट थ्री सिर्फ डॉट ओबीजे ही इंपोर्ट कर पाता है सो मेक श्योर sure आपका मॉडल डॉट ओबीजे में ही हो इसकी सेटिंग्स को यहाँ डिफॉल्ट रहने देंगे और यहां हम अपने फाइटर जेट का थ्री मॉडल देख सकते हैं अब ये मॉडल हमारे एक्सेस ग्रिड से काफी बड़े साइज में इंपोर्ट हुआ है तो इसे छोटा करने के लिए हम सिंपली यहां इस नॉर्मलाइज साइज वाले ऑप्शन को चेक करेंगे इट्स मच बेटर नाउ और अब नेक्स्ट हम इसमें कुछ टेक्सचर्स ऐड करेंगे बाय इंपोर्टिंग आर डिफ्यूज एंड मैप्स सो विल गो टू इट्स मटेरियल ऑप्शन और यहां इस डिफ्यूज ऑप्शन के अंदर वी विल इट्स डिफ्यूज मैप इसकी सेटिंग्स को यहाँ रहने देंगे और अब हम यहां क्लियरली अपने जेट में काफी डिफरेंस देख सकते हैं नाउ लेट्स इंपोर्ट आर बंप मैप इसे भी सिमिलर तरीके से इंपोर्ट करेंगे और अब लास्टली अपने इस जेट का कलर चेंज करने के लिए हम यहां इस डिफ्यूज कलर को चेंज करेंगे टू समथिंग लाइक दिस एंड दैट्स इट बट अभी अगर हम इसके इस जेड एक्सिस को मूव करें तो यहां ये यह जेट सॉर्ट ऑफ ड्रिफ्टिंग से कर रहा है जो कि ऑब्वियसली काफी ऑड लग रहा है तो इसे ठीक करने के लिए हमें इसके एंकर पॉइंट को इसके बीच में प्लेस करना पड़ेगा और उसे थोड़ा सा रोटेट भी करना पड़ेगा और वो करने के लिए हम इस बटन को प्रेस करेंगे एंड वी विल मूव इट्स एंकर पॉइंट हेयर और अब इसे रोटेट करने के लिए विल प्रेस दिस बटन एंड वी विल रोटेट इट लाइक दिस एंड दैट्स आर जेट विल नाउ मूव परफेक्टली एक थ्री डी नल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विच विल बी लिंक टू दिस जेट बट इसमें की फ्रेम करके इसे एनिमेट करने से पहले मैं यहाँ एक थ्री डी कैमरा क्रिएट करूंगा टू मैच दी वाइड एंगल फोकल लेंथ डिस्टोशन यहाँ ये शॉट ट्वेंटी फोर एम एम के लेंस से शूट हुआ है तो यहाँ भी मैं ट्वेंटी फोर एम एम ही चूज करूंगा लेट्स क्लिक ओके हम ऑब्वियसली इस कैमरा को एनिमेट नहीं करने वाले बिकॉज इट्स अ स्टिल शॉट बट इस कैमरा से हमारे इन थ्री डी ऑब्जेक्ट्स के अंदर इस फुटेज से मिलती जुलती एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी जिससे ये हमारे सीन के अंदर और अच्छे से ब्लेंडेड लगेंगे एंड नाउ वी विल एड आर की फ्रेम्स इन इट्स पोजिशन प्रॉपर्टी मैं इस सिंपल प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ हम यहाँ इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं और अब इसके पहले की फ्रेम में मैं इजी ईज एज ऐड करूंगा और ग्राफ एडिटर में मैं अपने नेक्स्ट की फ्रेम की स्पीड को कॉन्स्टेंटली बढ़ाता रहूंगा इससे अब ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा इट्स लुकिंग गुड यहाँ हमने बेसिकली थोड़ी एडवांस की फ्रेमिंग करी है जहां हमने की फ्रेम वेलोसिटी और ग्राफ एडिटर्स में चेंजेस करें तो हो सकता है कि आपको इस पॉइंट पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो हु। बट डोंट वरी बिकॉज मैं अपने नेक्स्ट कोर्स मोशन डिजाइन के अंदर इन सारी टेक्निक्स को डिटेल में कवर करने वाला हूँ आप जैसा भी मोशन सोचोगे वो आप काफी कम कम से कम की फ्रेम्स में क्रिएट कर पाओगे इस कोर्स की मॉनिटरी वैल्यू टू थाउजेंड रुपीज होने वाली है बट अगर आपने मेरा एग्जिस्टिंग कोर्स ऑलरेडी परचेज कर रखा है तो आपको इस कोर्स के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कोर्स नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा एंड इट विल बी फॉर इंटरमीडिएट यूजर्स सो फॉर दैट एंड नाउ लेट जस्ट कम बैक टू द टॉपिक अब यहां हमने दो और जेट्स एड करने हैं और वो करने का सबसे सिंपल तरीका होगा कॉपी पेस्ट सो लेट्स फर्स्ट गो टू आर एलिमेंट थ्री डी सीन सेटअप और यहां हम अपने इस जेट को इस ग्रुप से बाहर करेंगे लाइक like दिस और इसे दो बार डुप्लीकेट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डी अब हम सिंपली इन तीनों जेट्स को अलग अलग ग्रुप में असाइन करेंगे लाइक दिस एंड नाउ विल जस्ट कम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स यहां हम अपने बाकी ग्रुप्स के जेट्स देख सकते हैं और अब हम इन्हें फटाफट से सिमिलर तरीके से एनिमेट करने के लिए इनके भी नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।, कर करेंगे और अब मैं सिंपली अपने पहले नल ऑब्जेक्ट के की फ्रेम्स को कॉपी करूंगा एंड विल पेस्ट इट इन दीज टू नल ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली ऐसा करने से ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक ही साथ अपीयर होंगे इन्हें अलग अलग करने के लिए यहां में प्ले हेडर को इस की फ्रेम पे लेके जाऊंगा और इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके आई विल चेंज देयर पोजीशन लाइक दिस जिससे इसकी पोजीशन का पूरा पाथ लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा आई विल डू द सेम फॉर थर्ड जेट मेक श्योर कि ये दोनों की फ्रेम सिलेक्टेड हो और आपका प्ले हेड किसी भी एक की फ्रेम के ऊपर होना चाहिए एंड नाउ इफ आई प्रीव्यू इट देन इट्स नाउ लुकिंग ग्रेट अब बस मैं आपने बीच वाले जेट की की फ्रेम्स को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करूंगा ताकि इसे एक लीड मिल पाए उ इट्स लुकिंग मच बेटर नेक्स्ट हम स्मोक ऐड करेंगे बाइक सॉलिड लेयर टू स्मोक लेकिन और इसमें हम ऐड करेंगे रेड जैन का ट्रैप कोड पर्टिकुलर अब अगर मैं इसे सोलो करूँ तो ये डिफॉल्ट से हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देता है बट ऑब्वियसली ये स्मोक जैसा बिल्कुल नहीं है तो इसे कस्टमाइज करने के लिए लेट्स ले तो इन साइड दिस डिजाइनर बटन जहां हम इसके यूजर इंटरफेस में अलग अलग प्रीमेड प्रीसेट्स देख सकते हैं लेट्स गो टू दिस स्मोक एंड फायर प्रीसेट आप काफी अलग अलग तरीके के स्मोक यूज कर सकते हो बट आई थिंक हमारे केस में बेस्ट ये सिंपल स्मोक रहेगा या अगर मैं इसे ऐसे ड्रैग करूं तो इट्स वर्किंग लाइक अ स्मोक ट्रेल ओनली यानी हम इसकी पोजीशन में की फ्रेम्स एड करके सिमिलर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं यहाँ हम बाकी की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं बट मैं इन्हें अपने इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल से ही चेंज करूंगा तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस अप्लाई बटन नाउ टू तो कम आउट ऑफ इट और अब इसे एनिमेट करने के लिए हम यहाँ इस अमीटर वाले सेक्शन में जाएंगे और इसकी पोजिशन को यहाँ से एनिमेट करने की जगह विल क्रिएट अनदर नल ऑब्जेक्ट जिससे अब हम इसकी स्मोक की पोजिशन को इस नल ऑब्जेक्ट के थ्रू एनिमेट कर सकते हैं बट इनस्टेड ऑफ एनिमेटिंग इट विद की फ्रेम्स हम इसे सिंपली अपने जेट्स के एग्जिस्टिंग नल ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक भी कर सकते हैं सो लेट्स फर्स्ट रीनेम दिस नल ऑब्जेक्ट टू स्मोक मिडल और अब हम सिंपली शिफ्ट प्रेस करके इसे अपने फर्स्ट जेट के नल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देंगे लाइक like दिस बट राइट नाउ फॉर सम रीजन अभी हमारे जेट की पोजिशन के साथ मैच नहीं हुआ है बट नो वरी बिकॉज इसे अब हम मैनुअली अपने जेट के साथ अलाइन कर सकते हैं लाइक like दिस अगर आपको इसे प्रिसाइसली अलाइन करना है तो यू कैन इवन स्विच टू द फोर व्यूज टू डू इट लाइक दिस एंड नाउ इट विल वर्क जस्ट फाइन इसके बाद हम अपने स्मोक को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे सो विल गो टू पार्टिकल इसकी लाइफ को करेंगे सिक्स सेकेंड ताकि ये हमारे सीन में काफी देर तक रहे इसके साइज को करेंगे फिफ्टी पे नेक्स्ट हम इस साइज ओवर लाइफ में जाएंगे और कुछ ऐसा प्रीसेट चूज करेंगे हम इसलिए इसके ग्राफ को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग गुड

इन दैट केस आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू आउट माई गेटिंग स्टार्ट सॉफ्टवेयर को जीरो से लिटरली हंड्रेड तक समझा दिया इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नाउ लेट जस्ट कम बैक टू टॉपिक अब नेक्स्ट हम स्मोक को कलर करने के लिए इसमें एक और इफेक्ट ऐड करेंगे और या इसके मिडटोन को चेंज करके मैं इसमें थोड़ी सी व्हाइटिश फील ऐड करूंगा इट्स लुकिंग गुड और अब सिमिलरली अपने बाकी के जेट्स में भी स्मोक ऐड करने के लिए हम सिंपली इस स्मोक लेयर को डुप्लीकेट करेंगे आई विल रीनेम दिस डुप्लीकेटेड लेयर आल्सो ताकि बाद में इसे लिंक करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो और अब इस डुप्लीकेटेड लेयर से एक और नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे सिमिलर तरीके से बाकी जेट्स के नल ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक कर देंगे समथिंग लाइक दिस अपने राइट right साइड वाले जेट के लिए भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा सो आई विल जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दिस प्रोसेस एंड मेक श्योर कि आपने अपनी लेयर्स को रीनेम जरूर कर रखा हो अवॉइड कंफ्यूजन और अब फाइनली कलर चेंज करेंगे में हमें सारी एनिमेशन अपने में चाहिए क्योंकि अभी हाँ ये हमारे इंडिया गेट के ऊपर से ही आता हुआ दिख रहा है तो इसे सोल्व करने के लिए हम सिंपली अपनी इस फुटेज को डुप्लीकेट करेंगे और इसमें एड करेंगे एक्सट्रैक्ट इफेक्ट इसे यहां सबसे ऊपर प्लेस करेंगे ताकि आपको इस इफेक्ट का रिजल्ट क्लियरली दिख पाए तो मैं यहां सिंपली इस व्हाइट वाले एरिया को अंदर लेके आऊंगा लाइक like दिस पूरा स्का यहां से कट नहीं हो जाता या हम ऑब्वियसली अपने व्हाइट पार्ट को थोड़ा सा फेदर भी कर सकते हैं इट्स लुकिंग गुड एंड नाउ सिंपली अनुडमारेट्स हमारे इंडिया गेट के पीछे से आते हुए नजर आएंगे अब इसे फाइनल टचेस देने के लिए हम यहाँ एक एडजस्टमेंट लेयर एड कर सकते हैं I'll rename it to color grading और इसमें लुमेट्री स्कोप्ल की मदद से हम एक साथ अपनी फुटेज और अपने थ्री डी एलिमेंट को कलर ग्रेड करके इन्हें एक सी ही फील दे सकते हैं समथिंग लाइक दिस सो दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज नाउ अब इसके बाद जो हमारी अशोका चक्रा वाली एनिमेशन है यह भी काफी ईजी है मैं इसे अपने कोर्स के नेक्स्ट लाइव सेशन में कवर करने वाला हूं बट डोंट वरी बिकॉज आप इसे इस कोर्स को खरीदे बिना भी देख सकते हो बिकॉज यू आर ऑल इन्वाइटेड टू द नेक्स्ट लाइव सेशन जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस लाइव सेशन में हम और भी काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले सो मेक श्योर टू सेव योर सेल्फ यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अब आप मुझे वन टू वन वीडियो कॉल भी कर सकते हो इसके बारे में भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गएगी नाउ आई थिंक दट इस Don't forget to like and subscribe to this channel and I'll see you in the next one.